दोस्तों, अक्षय कुमार के लिए एक और बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि पृथ्वीराज पहले ही फ्लॉप की राह पर चल पड़ी थी। इसने अभी तक 5 दिनों में 48 करोड़ रुपए कमाए हैं, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे थिएटर्स ने इस फिल्म को निकालना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत जगह पर बुकिंग कैंसिल हो रही है। मतलब थिएटर्स में कोई शो देखने जा रहा है तो एक या दो लोग बुकिंग कर रहे हैं, तीन चार लोग बुकिंग कर रहे हैं, जिसके चलते थिएटर ओनर्स को वो शो कैंसिल करना पड़ रहा है। इसलिए बहुत सारे थिएटर ओनर्स अब डिसाइड कर रहे हैं कि ये फिल्म फ्राइडे से पहले निकल जाएगी उनके सिनेमाघरों से। और दूसरी तरफ विक्रम की बात कर ले तो विक्रम बम्पर कमाई करते जा रही है। 225 करोड़ की कमाई 5 दिनों में कर ली है, और जो ट्रेड एनालिस्ट हैं ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ये फिल्म 500 करोड़ की कमाई सिर्फ सिनेमा घरों में ही करने वाली है। यानी कि विक्रम के लिए बहुत बड़ी खबर ये है। दूसरी तरफ मेजर जो है ये भी 50 करोड़ के करीब पहुंचने वाली है। विक्रम तो सबसे आगे है, लेकिन मेजर और पृथ्वीराज में अगर तुलना करें तो मेजर 30 करोड़ के बजट में बनी है, लेकिन 50 करोड़ तक पहुंचने वाली है। वहीं पृथ्वीराज बनी है 300 करोड़ में। हालांकि इसका बजट भी बहुत अलग अलग दिखाई दे रहा है। कोई 150 करोड़ बता रहा है, कोई 200, कोई 250, कोई 300 करोड़। अलग अलग वेबसाइट ने अलग अलग रेट्स बताए हैं, लेकिन आप 300 करोड़ मान के चलिए, क्योंकि इसमें VFX और बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया गया है। तो पृथ्वीराज और मेजर में तुलना की जाए तो मेजर तो सुपर डुपर हिट हो गई है, आप ऐसा कह सकते हैं। अभी भी सिनेमाघरों में इसे देखने के लिए भीड़ उमड़ी पड़ी है, जबकि पृथ्वीराज के लिए ऐसा नहीं हो रहा है।